हाय राम, यहाँ का रेलवे स्टेशन। चलो मीठी बनवा देंगे, हल्की, बहुत मीठी नहीं, बहुत मीठी मत करना। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन और सारे के सारे अपना अपना लगेज लेके जा रहे हैं क्योंकि बस वाले ने बस रोकी है पीछे। यहाँ पे आगे अलाउड नहीं था, भीड़ बहुत है लेकिन। और हमारी है शताब्दी, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि हर उसका ना शायद अलग काउंटर बना हुआ है। सब आ रहे हैं। ये देखिए सोनू भाई ने कुछ बैग नहीं उठा रखा है, इनको बोलो जरा पहले। सोनू ने मुझे उठाएंगे ना अभी जब मैं थक जाऊंगी तो, मैंने यही सोचा है। ऐसा अब इतनी गर्मी है यहाँ पे कोलकाता, सो समझ के आना। मेरे पूरा मुंह लाल, पता नहीं कैसे हो रखा है लाल, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हालत खस्ता हो गई है, खस्ता एकदम। सॉरी भाई साहब, सॉरी भैया सॉरी। और देखिए गाइस, यहाँ पे हम कितना सुंदर लग रहे थे वो फूड प्लाजा सामान सारा। काफी बड़ा भैया सामान तो आने चले सारे गाइस हमारे साथ है, जैसा कि हमने दिखाया। आओ सोनिका जी, ये सोनिका, सोनिका की चाची, सोनिका का भाई। थक गई मैं बहुत ज्यादा। क्यों? गर्मी बहुत है, अंदर तो फिर भी थोड़ी सी शांति है। गाइस, यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं और हमारी है हावड़ा, नहीं हमारी ये वाली नहीं है, शताब्दी है हमारी। गेट नंबर 9 पे आएगी हमारी। चलो सारे के सारे, हमारा टीम पार्टी जो है वो वहाँ से जा रही है। मेरी आवाज़ हो सकता है स्लो आ रही हो क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है और अनाउंसमेंट हो जा रही है। चलो तो खानी है? नहीं, बोला आई एम वेजिटेरियन। चलो यही है क्या हमारी? यही लग रहा है, यही है क्या? चलो चढ़ना, चढ़ना तो नहीं पड़ा यहाँ पे। ये लग रहा है यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है भाभी, है ना, जैसे अपने दिल्ली में है। कोच भी हमें ऐसा मिला है जो सबसे आखिरी में है यहाँ से। चलो 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 चलो, तो मेरे हाथ में कोई सामान नहीं है, उसके बाद भी थक गए। हाँ पूछो। चलो गाइस, हमारी ट्रेन फाइनली अराइव हो चुकी है और हमें जाना है C3 में, तो हो रहा हमारा C3 कोच। और 1:30 बजे हमारी आ गई थी और हमें जो है वो 1:30 बजे आ गई थी, हमारी चलेगी अब 2:05 पे। और यहाँ से हम जा रहे हैं देवघर बाबा धाम के दर्शन करने, देवघर, और वहाँ से हमारी फ्लाइट है। ट्रेन है, सफाई नहीं है, पेज भी लिया, ये देख। सारे के सारे सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन ट्रेन नॉट गुड, बदबू इतनी ज्यादा, अच्छी खुशबू आ रही है पर पूछो मत। ऑप्शन नहीं था ना, बस को 6 घंटे कौन जाएगा? 6:30 घंटे लगते चाची जी, और 4 घंटे में हम सारी चीजें पता करके तब हमने ट्रेन करी है। कितने देर लगेगी? 4 घंटे, 4 घंटे पूरे। फिर उसमें तो कम से कम 1500 रुपए एक बंदे के बैठ। यार तेरे कहाँ है? मेरे पति में। अरे तेरी सीट कहाँ है? अरे मैं पति। चलो बेटा आपकी भी सीट है। अरे नहीं आंटी, इसको मेरे साथ। हाँ इसकी भी कराई है, गोदी में कौन बिठाएगा? अभी के टाइम में पापा कहाँ गए? आसमान में।
पूरी का तो मौसम मैंने तो सुना ही नहीं क्या 17 की अगर हम दिल्ली की टिकट कराती हूँ मैं दिल्ली की कलकत्ता सुनू ये देखो गुल्लू ने एक ही उसमें तीन चीजें कर ली पहले अपनी शर्ट का बटन बंद करो देखो एरोप्लेन में घूम ली शिप में घूम ली और तीसरा ट्रेन में मतलब पहली जर्नी में गुल्लू ने तीनों एंजॉय कर लिया एक टूर के अंदर तीन और बस भी में भी पहली बार बैठी है शायद मेरे हिसाब से बस में भी नहीं बैठी अभी तक कहीं घुमाया ही नहीं मैंने सब चीजें पहली बार नहीं गाड़ी में जाते हैं ना हमारे पास गाड़ी है पहली बार में नहीं मम्मी रिक्शा में तो बैठी है ई रिक्शा में तो ये डॉक्टर की भी गई है ये बस में शिप में एरोप्लेन में और ट्रेन में चारों में पहली बार बैठी है एक ही ट्रिप में बैठ ली देख रहे हो मैंने एक ही में इसको छिका दिया यहाँ पे नई बुक का उद्घाटन जो है हो चुका है ये देखो गुल्लू कोई चीज ले और वो टिक जाए टिल 10 मिनट भी अच्छा हट गई तो ये है और यहाँ पे बंसल जी लगे पड़े हैं अपने मोबाइल को देखने के लिए एंजॉय करते हुए शताब्दी में भी कभी कोई आ ही जा रहा है भैया दे दो दे दिया पैसे बच्चे में ले दे दो इसको ही अरे बच्चे में पैसे तो ले देखा ये ऐसे करूंगी हाँ बोल भैया पैसे वापस दे दो आराम से हमारी यहाँ से ट्रेन देखिए निकल रही है और इधर मैं आई हूँ वॉशरूम बच्चा पार्टी को कराने ये देखो बट यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है नॉट अ गुड ट्रेन एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इस ट्रेन का अच्छा नहीं लगा ऑल दो हमारी 4 घंटे की जर्नी हमारी 4 घंटे की जर्नी है लेकिन 4 घंटे की जर्नी के अंदर भी मुझे यहाँ की मैनेजमेंट वगैरह या ट्रेन जो है वो अच्छी नहीं लगी ट्रेन बहुत अनहाइजीनिक है बट एक बार भैया आए थे सफाई तो खैर करके गए थे लेकिन यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह जो है वो मतलब क्लीन नहीं है बिल्कुल भी स्मेल भी बहुत ज़्यादा है रसगुल्ला हाँ या ना आपको कुछ और माल पूछो और इसके अलावा पराठा है संदेश लाके खिला दो सौंदेश भी देखना पड़ेगा सौंदेश भी मुझे ये बताओ वॉशरूम के लिए सोनी का चाची को ले जा है उसने चाची लिया तो भैया तो नहीं बोलेंगे आप ही बोल सकते हो क्योंकि उसने मुझे बोला है सोनी ने उसने कहा क्या बात पति देव मेरे कहने पे चल रहे हैं ऐसा कैसे हो गया गंगा उल्टी बहनी चालू हो गई गंगा उल्टी कभी नहीं बह सकती क्या करे भाई मेरा पति सीधा हो गया कलयुग आ गया मेरा पति सीधा हो गया ऐसा समझ लो ले जाके भी क्या करना क्या हुआ इधर आओ इधर आओ अपने जाके भूत बाजार में देखियो प्लास्टिक का भी है हां स्टील का भी है पता जी अपना 50 रुपए का है 20 रुपए के मैंने देखा ही बुध बाजार ही नहीं घूमी थी और एक ही गुल्लू की बुक ली है और वो गुल्लू की टॉय भैया ने ठीक कर दी शॉपिंग तेरी चल रही है आए जा रहे हैं देखो साड़ी की शॉपिंग नहीं हुई है तो कर ले चाचा जी कंगी थी मेरे को पता सुन यहाँ तो साड़ी बड़ी की शॉपिंग हो रही था जो पैकिंग आइटम मिलते
क्यों खाते हो जो आपका सर दर्द होना चाहिए? आपके इस पे आपका कंट्रोल क्यों नहीं है भैया? बाहर आके नहीं है, बाहर आके नहीं, आपके घर पे भी नहीं है। मैं दुकान पे भी देखती हूँ कितनी बार सर पकड़ के बैठते हो। जब भी मैं आपको देखती हूँ आप हर ट्रिप के बाद सर पकड़ के बैठे होते हो। एक्चुअली एक तो नींद बर्दाश्त नहीं है। नींद बर्दाश्त क्या होना चाहिए आपको? चौकीदारी कर लो, मत सोया करना भाई। ठंडा लेके चला गया तो रही ना भाई, क्या आप उसमें भी तेरा चौकीदारी लगा रही है? जैसे ये धूप हो गई तो इरिटेट करती है ना। अच्छा, फिर खराब हो जाता है पूरे दिन इसलिए बैठता है दुकान पे, इधर 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 यही करते हैं दुकान पे, इधर 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 नहीं बैठता। धूप तब भी आती होगी, गर्मी आती होगी, नहीं आती ना? इधर गमछा टंगा रहता है, टॉवल टंगा रहता है। क्या, मुझे तो गर्म ही नहीं लग रहा, ये चला भी है वीडियो ऑन कर रखी है, गर्म ही नहीं हो रहा, ऐसे भी लग रहा है। ये सही लग रहा है, गर्म कम हो रहा है, चलाती नहीं। गाइस, इसकी वोल्टेज है बहुत कम, इसको कम से कम हमने 10 से 15 मिनट के लिए लगा रखा था, इसकी वोल्टेज कम है, तो इस चक्कर में दलिया जो है हमारा बनने में लग गया इस समय, और हमारा स्टेशन आने वाला है। ये कह रही है पिछले आधे एक घंटा पहले बनाना चाहिए था, है ना? बोलो डायलॉग। लापरवाही दिखा दी, बातें करने में लगी है सोने का, ये नहीं दलिया बनाती। वैसे मैंने 4 घंटे बातें ही मारी है, इतनी देर में तो दलिया बन जाता है मेरी लड़की का। देखा, और यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। इस फाइनली गुल्ला भी उड़ चुकी है और गुल्ला की मम्मा भी उड़ चुकी है, और दलिया अभी तक हमारा बना ही नहीं है बेचारा, देखते जाते जाते कितना बनेगा। फाइनली लाइन लग चुकी है हम सब तरने की, ये देखो हाँ हाँ चल रहे हैं, ये खुल ही नहीं रहा, देखो पता नहीं क्या। चलो 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 चलो, लेकिन जरूरी नहीं है यही गाड़ी में। बंसल जी आप किस लिए खड़े हो? मैं तुम लोगों को उतारने के लिए, फटाफट उतरो। चलो उतरेंगे, चलो चलो चलो, बाय बाय बाय, जाओ कुल्लू को तो हाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओह गॉड गाइस, फाइनली आ चुके हैं जैसीडी के स्टेशन। ये देखो जैसीडी, और यहाँ पे क्राउड देखो, बाबा धाम के लिए क्राउड ही क्राउड। और ये देखो हमारा लगेज, हमारा बच्चा पार्टी। अच्छा ले ले, बिस्किट खा, बिस्किट बिस्किट बिस्किट, बस 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 बस। एक ब्लू कलर का बैग था ना छोटे वाला। देखिए सारे ये सब बाबा भोलेनाथ के, बाबा बैद्यनाथ के सेवक हैं। एक्चुअली में बाबा बैद्यनाथ के अंदर हर महीने कांवड़ चलती है, मतलब सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में जल चढ़ता है, जल अभिषेक होता है, तो कांवड़ी आते हैं जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई दिल्ली की तरह पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि 15 दिन ही स्टार्टिंग के जल सेवा होती है, मतलब कांवड़ चलती है, यहाँ पूरे सावन से कांवड़ चलती है। तो कभी भी आप बाबा बैद्यनाथ के धाम आएंगे तो आपको पूरे महीने सावन के कांवड़ियाँ मिलेंगे। आप देख सकते हैं क्या केसरिया माहौल हुआ हुआ पूरा। चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, वाह जी वाह, सारा स्टेशन केसरिया केसरिया। 6:23 में हम थे, ये चल रहे हैं बाबा से मिलने। आओ बोल बाबा भोलेनाथ की जय, बोल डमरू वाले की जय। आओ उठाओ ए ग्रामा, ए बाबा। पक्षियों का शोर सुन रहे हैं, दिल्ली में नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली में ऐसा शोर कहीं नहीं मिलेगा। ये बाबा की नगरी है, बाबा बैद्यनाथ की, बाबा भोले की,
यहाँ सारी चीजें अद्भुत है। और अब हम प्रस्थान करेंगे अपने होटल जो हमने LIC के पास लिया है, LIC बिल्डिंग के पास। होटल काफ़ी अच्छा है, उसमें हमारे खाने की व्यवस्था भी करी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये देखिए इस होटल के अंदर बहुत चहचहाट है पक्षियों की। मैंने गांव में ही ये चहचहाट सुनी है, बाकी तो दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में तो नहीं है। यहाँ आप पोल्यूशन फ्री देख सकते हैं, कितनी हरियाली है यार, हरियाली भी अलग तरीके की है, मतलब पोल्यूशन नहीं है। तो 250 रुपये में ऑटो हो गया है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जा रहे हैं, ये हमारा भी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और मेरा भी वीडियो ऑफ था। हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या किया तुमने? वीडियो ऑफ के अंदर मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। हाँ मेरी वीडियो पे मैंने स्टार्ट पर क्लिक नहीं करा और मैं अपनी सारी भावना कह चुका था और वीडियो ऑफ थी। ये देखिए सब यही है क्या बाबा धाम है? यही नहीं है, यही केसरिया? नहीं नहीं, ये तो रेलवे स्टेशन है जैसे। हाँ बताओ, हम लोग 6:35 पे पहुँचे हैं। वो दिखा दिया मैंने, ये देखिए बाबा बैद्यनाथ यहीं से दिख रहे हैं। बाबा सारा पंडाल ऐसा बना हुआ है। और ये भी बता दो, अद्भुत। सुनो एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने ऑटो किए हैं 3, क्योंकि हम लोग जने ज़्यादा हैं। तो हमारे होटल के लिए उसने 250 रुपये पर ऑटो हमें जो है वो चार्ज बोला है। तो अब हम देखते हैं कि वाजिद है या नहीं। उसने कहा है कि जब आप होटल पहुँच जाओ ना, तो होटल वाले से पूछने के बाद आप हमें 250 रुपये पर चार्ज होटल का देना। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक चीज़ और, यहाँ पे प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लूट मार भी बहुत ज़्यादा है। सारा केसरिया रंग ही दिख रहा है। अभी मुझे इसकी दिखा दिया। और अभी यहाँ की मान्यता मुझे इतनी नहीं पता, अभी बंसल जी आपको यहाँ की सारी मान्यता जो है मंदिर की आपको आगे डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि केसरिया केसरिया सारा पंडाल ही ये वो है। हाँ कावड़ सावन के पूरे महीने में जल चढ़ता है। हाँ, बाबा पे जल चढ़ता है, बाबा पे जल चढ़ता है, इसीलिए इतना ज्यादा और का है। वैसे तो सही लगा मुझे, कोई ऐसा मतलब दिक्कत हुई नहीं। बाकी अब हम जाएंगे तब चीजें ज्यादा मालूम चलेगी हमें। आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी मैं कि देवघर जो है यहाँ का एयरपोर्ट है, और जैसे स्थिति जो है वो रेलवे स्टेशन है। तो आपको मैं सारा डिस्क्राइब करूंगी कि हम लोग जैसे कोलकाता पहुंचे थे, तो हावड़ा से हम लोगों ने यहाँ से के लिए ली थी ट्रेन, जिसने हमें जन शताब्दी जिसने हमें 4 घंटे में हमें पहुंचा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से पहुँचेगा, सीधा चलते हैं होटल। मंडे की वजह से आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग रही है हमें, बाकी कल भी पता लगेगा। कुछ लोग कल वापस जाएंगे जैसे ये लोग, और कुछ लोग परसों वापस जाएंगे जैसे हम लोग। यहाँ के ऑटो ऐसे होते हैं, ये देखो जैसे हमारे में तो ये और ये होता है, उनके पीछे में भी होते हमारे। अटैची दे दे उज्जवल अपनी भी। ये नीचे कर, ये उठा पहले तू, दो। एक तीसरा ऑटो कहाँ है? बस बाकी आगे पकड़ लेंगे। भाई मेरे जिज्जा को पहले ऑटो दिलाओ। हाजी आपको नहीं जगह मिली क्या? पहले आप बैठ जाओ, नहीं तो फिर स्कॉर्पियो बुलाए। सिंगा मेरे जीजा को मिलनी चाहिए। आगे कंफर्टेबल हो ना? हाँ बना ले बना। ठीक है पूछ लिए। हाँ, एक बार सारे मेंबर चेक कर लो भी। अरे तुम खुद चेक करो यार, बस बहुत है। मैं तो अकेली हूँ, मैं तो चेक हूँ। आप लोगों के बच्चों चाचा जी का फोन नहीं आ रहा तुम्हारा? कोई कोई नहीं भाई, उनको एक बार बताओ, अगर नहीं टलती तो वो ऐसे भेज देते। वो ऐसे भेज देते
उनको पता था समझी जा रहे हैं सेवा में क्या जरूरत है, इसीलिए मत करिए उछलने का तो गिर जाएगा। जो ऑटोमेटिक ही है पर यूं नहीं चल रही, बता रहे यूट्यूबर है बड़े, सबको बता रहे हैं बढ़ेंगे। हाँ पता क्या करो, फोन लो इनका यूट्यूब खोलो और सब्सक्राइब कराओ, अभी करवाते हैं, फायदा तो तब है ना, फॉलोवर ऐसे कैसे बढ़ेंगे, वो कौन सा देख रहे अपने काम में। हाँ बताओ, हाँ और मेरा भी बताओ, बंसल फैमिली खानदान के तो आप हमारे हो, खाली नोक झोंक को सब्सक्राइब करा रहे हो। हाँ सही बात है ये तो, वैसे बात तो सही बोला, सीधे नेहा कक्कड़ वगैरह के साथ जुड़ो। हाँ सही बात है, मिल रही है आपको तो नेहा कक्कड़, मिलेगी यहाँ पे, वैसे मार्केट अच्छी लग रही है, सुनो अच्छी लग रही है। हाँ क्या अच्छा लग रहा है, सुनो अपने होटल, ये हमारा होटल है, कम्फर्ट अच्छा भी है, होटल कम्फर्ट अच्छा है भी, क्या पता है इसको भी।